आपका एक्सरे यूनिवर्स चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हमारी स्कल की सीरीज़ चल रही थी, तो स्कल की सीरीज़ में हमने प्रीवियसली पीएनएस व्यू, मैस्टर्ड व्यू वगैरह देखा था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाउन्स व्यू। टाउन्स व्यू को हम एक और नाम से भी बोलते हैं, वो है फ्रंटो ऑक्सिपिटल व्यू। फ्रंटो ऑक्सिपिटल व्यू से भी बोलते हैं कि टाउन्स व्यू का नेम है फ्रंटो ऑक्सिपिटल व्यू। टाउन्स व्यू क्यों किया जाता है, कैसे करते हैं, क्या पोजीशन रहती है पेशेंट की, तो ये सारी चीज़ें हम इस आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाउन्स व्यू। जैसा कि आपको इस इमेज में शो हो रहा होगा कि पेशेंट यहाँ पे सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पे लेटा हुआ है। ये एक्सरे टेबल है, ये पेशेंट है। आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये जो पेशेंट के शोल्डर्स हैं एकदम प्रॉपरली इक्वल डिस्टेंस पे हैं, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट की बॉडी में टिल्ट वगैरह तो नहीं है। पेशेंट के शोल्डर एकदम प्रॉपरली होने चाहिए आपके, और पेशेंट के हेड के नीचे इसमें अपन ने कुशन यूज़ करा है ताकि पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में हम डाल सके। और ये जो आपको एक ये लाइन विजुलाइज हो रही होगी, ऑर्बिटोमेटल लाइन, ये ऑर्बिट से ये जो मेटल होता है आपका एक्सटर्नल मेटस, इससे जो एक इमेजनरी लाइन पास होती है, ये परपेंडिकुलर आती है किसके थ्रू, एक्सरे टेबल पे। इसके थ्रू हम देख चेक करते हैं कि पेशेंट की पोजीशन प्रॉपर है या नहीं है। तो टाउन्स व्यू की ये रहेगी पेशेंट की पोजीशन। आपको इस पिक्चर में अच्छे से क्लियरली विजुलाइज हो रहा है। क्यों करते हैं टाउन्स व्यू, इंडिकेशन क्या है, देखते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेशन है टाउन्स व्यू के लिए वो है फोरामेन मैग्नम। अब फोरामेन मैग्नम क्या होता है, ये आपके लेट्स सी आपका स्कल है, स्कल के यहाँ पे ऑक्सिपिटल बोन होती है, ऑक्सिपिटल बोन के आपके अंदर यहाँ पे एक होल होता है, उसको बोलते हैं अपन फोरामेन मैग्नम, जिसके जो आपको एक पैसेज प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्स को, जो आपके वेन्स वगैरह होती है, ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, उनको एक पैसेज प्रोवाइड करता है फोरामेन मैग्नम, जो सिचुएटेड होता है ऑक्सिपिटल बोन में। तो ये फोरामेन मैग्नम देखने के लिए के टाउन्स व्यू परफॉर्म करते हैं। स्फेनॉइड साइनस देखने के लिए करते हैं। स्फेनॉइड साइनस कहाँ होता है, ये आपका लेट्स सी आपका फेस का फेस है, ये फॉरहेड, ये नोज़, ये लिप्स आपके, ये आपका अगर फेस है तो यहाँ पे आपके पहले यहाँ पे दो साइनस होते हैं। कौन से साइनस होते हैं आप प्लीज़ कमेंट में बताना। यहाँ पे पीछे एक स्फेनॉइड साइनस होता है, उसको देखने के लिए भी अपन करते हैं। ऑक्सिपिटल बोन आपको अच्छे से पता होगी ऑक्सिपिटल बोन कौन सी होती है, स्कल के पीछे के पार्ट में आपके जो बोन आती है वो होती है ऑक्सिपिटल बोन। लैम्ब्रॉइड सूचर, लैम्ब्रॉइड सूचर क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियसली वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस जाके आप ज़रूर चेक कीजिए। नेजल फोसा और ऑर्बिट फोसा। तो इंडिकेशंस जो हैं टाउन्स व्यू की वो है फोरामेन मैग्नम, स्फेनॉइड साइनस, ऑक्सिपिटल बोन, लैम्ब्रॉइड सूचर, नेजल फोसा और ऑर्बिट फोसा। तो इन कंडीशंस में हम टाउन्स व्यू परफॉर्म करते हैं। पेशेंट प्रिपरेशन क्या रहेगी, मोस्टली जो पेशेंट प्रिपरेशन आपके जो स्कल के जो भी एक्सरेज होते हैं वो सिमिलर होती है पेशेंट की प्रिपरेशन। आपको सर्वाइकल और स्कल की रीज़न से मेटल के मटेरियल्स को रिमूव करवाना होता है। जब भी आप एक्सरे करते हैं तो ये प्रिफर करते हैं कि पेशेंट के जिस पार्ट को अपन एक्सपोज कर रहे हैं उस पर मेटल का मटेरियल इंक्लूड ना हो, जिससे आपकी ओवरशेडो नहीं रहती है। मेटल के मटेरियल जो होते हैं वो रेडियो ऑपेक होते हैं, उनकी वजह से आपके स्ट्रक्चर्स जो उनके पीछे होता है वो उनकी इमेज आ नहीं पाती है, और मेटल की आपकी इमेज, आपके जो इमेज फिल्म होती है उस पर आ जाती है, जिससे अपन को जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है एक्सरे को करने की वो इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम जो मेटल के मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करवाते हैं। तो मेटल पेशेंट की प्रिपरेशन हो गई, स्कल से और सर्वाइकल रीजन से हम मेटल के मटेरियल को रिमूव करवाएंगे। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी देखते हैं। पेशेंट इज़ लाइंग डाउन इन सुपाइन पोजीशन ओवर द सेंटर लाइन ऑफ द एक्सरे टेबल। जैसा कि आपको फर्स्ट पिक्चर में मैंने दिखाया था, पेशेंट एक्सरे टेबल के ऊपर, एक्सरे टेबल की सेंटर लाइन के ऊपर प्रॉपरली सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है, पीठ के बल जब भी पेशेंट लेटा हुआ है, ये मैं इमेज में दिखाया भी था, यहाँ पे देखिए ये आपकी एक्सरे टेबल है और पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, तो ये होती है सुपाइन पोजीशन। और जो एक्सरे टेबल के सेंटर में प्रॉपरली पेशेंट को अपन को लेटाना है ताकि पेशेंट का कोई भी पार्ट आपके कट नहीं हो। कर्व शुड बी रिमूव फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। जब भी हम एक्सरे करेंगे तो पेशेंट को हम पहले से इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी बॉडी में कोई भी कर्व नहीं होना चाहिए, जिससे
पेशेंट का मूवमेंट वगैरह नहीं हो, पेशेंट एकदम कंफर्टेबली एक्सरे टेबल पे लिटा हुआ हो। एमएसपी ऑफ द पेशेंट शुड बी ओवर द सेंटर लाइन ऑफ द एक्सरे टेबल। एमएसपी क्या है? मिड सजाइटल प्लेन। पेशेंट का जो मिड सजाइटल प्लेन होना चाहिए वो एक्सरे टेबल की सेंटर लाइन के जो एक्सरे टेबल की जो सेंटर लाइन है उससे ओवर होना चाहिए, उसके अबव होना चाहिए, प्रॉपरली ओवर इम्पोज होना चाहिए। चिन इज़ प्रॉपरली प्रेस टू ब्रिंग कॉन्टैक्ट विद द चेस्ट। अब चिन को अपन ने प्रॉपरली प्रेस करवाया है ताकि जो चिन है वो आपके चेस्ट से कॉन्टैक्ट कर पाएँ। ये क्यों करवाया है? ताकि आपकी जो ऑर्बिटोमीटर लाइन है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो परपेंडिकुलर हो किससे? एक्सरे टेबल से। बोथ EAM शुड बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल टॉप। अब EAM क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स आपके इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए टेबल टॉप से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट का हेड टिल्ट वगैरह तो नहीं है और आप प्रॉपरली इमेज ले पाएंगे। IPL शुड बी पैरेलल टू द टेबल टॉप। इनर पुपिलरी लाइन जो है वो टेबल टॉप के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स है इनके थ्रू अपन चेक करते हैं कि पेशेंट की पोजीशन है वो प्रॉपरली है या नहीं है। कैसेट इज प्लेस्ड लेंथ वाइज इन द बकी। अब कैसेट को अपन ने लेंथ वाइज रखा है और किस में प्लेस किया है? बकी के अंदर किया है। अपर एंड ऑफ द कैसेट शुड बी पैरेलल टू द वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या है? जो आपका स्कल है तो स्कल का सबसे अबव पोर्शन होता है, सबसे सुपीरियर पोर्शन वो वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स से आपके अपर एंड को पैरेलल रखना है, जहाँ वर्टेक्स आ रहा है उसका कैसेट का अपर एंड वहाँ तक होगा। सेंटर इज शुड बी पास थ्रू हेयर लाइन विद 20-25 डिग्री कॉर्डल एंगल एंड सीम्स टू एग्जिट फ्रॉम नीसियन। अब सेंटर रे को अपन ने कैसे पास किया है? सेंट्रल रे को आप हेयर लाइन के थ्रू पास करेंगे। देखिए आप फर्स्ट इमेज में चेक कर सकते हैं, ये जो आपके जो आ रहा है एंगल, तो यहाँ से अपन ने सेंटर रे दिए और ऐसा सीम होगा, ऐसा लगेगा कि वो नेजियन से आपके एग्जिट हो रही है। तो ये अगर अपन ने ऐसे दिया तो ऐसा एग्जिट होता हुआ अपन को विजुलाइज होता है कि यहाँ से हो रहा है। तो हेयर लाइन पे अपन ने ये डाला है तो आपके कोन देंगे अपन इसके अंदर सेंटर रे के अंदर प्रॉपरली। आपका जो ट्यूब होगा ट्यूब के अंदर अपन ने एंगल दिया है, कितना दिया है? 20-25 डिग्री कॉर्डल एंगल। कॉर्डल एंगल क्या होता है? जब भी अपन ट्यूब के अंदर अगर एंगल देते हैं, अगर वो लेग की तरफ एंगल है तो वो होगा कॉर्डल एंगल, और अगर अपन ने ट्यूब को हेड की तरफ टिल्ट करके रखता है तो वो होता है सिफेलिक एंगल। तो अभी अपन ने लेग्स की तरफ हेड का ट्यूब जो है उसको अपन ने टिल्ट करके रखा है तो वो है कॉर्डल एंगल। और कितना डिग्री दिया है? 20-25 डिग्री। और सीम्स कैसा होगा? कि वो नेजियन के वहाँ से निकल रही है। तो ये थी पेशेंट की पोजिशन। एक्सपोजर चार्ट क्या रहेगा? देखिए एम ए जो रखेंगे वो 200 रखेंगे। एम ए मोस्टली सब में सिमिलर होता है। एम एस अपन इसके अंदर ज़्यादा रखेंगे, 70-80। क्यों? क्योंकि अपन को बैक पोर्शन में देखना है, पीछे का ऑक्सिपिटल बोन का पोर्शन देखना है, तो अपन इसमें एम एस ज़्यादा रखेंगे। के वी पी भी ज़्यादा रखेंगे ताकि आपके इमेज की जो क्वालिटी है वो अच्छी आए। टाइम रहेगा वो रहेगा 0.35-0.4 सेकेंड। एस आई डी क्या आ जाएगी इसमें? 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। ग्रिड यस, क्यों यस? क्योंकि अपन ने बकीम के अंदर कैसेट को प्लेस किया है। ट्यूब एंगल यस, कितना यूज़ किया है? 20-25 डिग्री कॉर्डल एंगल। सेंटर ये कहाँ से पास करी है? पास थ्रू हेयरलाइन, हेयरलाइन के थ्रू पास हुई है। और कैसेट साइज क्या यूज़ करेंगे अपन? 10x12 इंच और 14x14 इंच, और अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट साइज, जैसा अपन ने अपने पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन कैसेट साइज यूज़ करेंगे। तो ये रहेगा एक्सपोजर चार्ट पेशेंट का टाउन्स व्यू परफॉर्म करने के टाइम पे। रेडियोग्राफी अपीयरेंस क्या क्या विजुलाइज होगी दिखते हैं। सबसे पहले अपन ये जो व्यू करते हैं फोरामेन मैग्नम को विजुलाइज करने के लिए करते हैं, तो रेडियोग्राफी अपीयरेंस भी आ जाएगी फोरामेन मैग्नम। ये देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक अपीयरेंस आ रही है ये है यहाँ पे फोरामेन मैग्नम। स्फेनाइट साइनस विजुलाइज होगा। ऑक्सिपिटल बोन, ये यहाँ पे आपके ऑक्सिपिटल बोन आ रही है। लैम्डोइड सूचर्स, यहाँ पे आपके लैम्डोइड सूचर विजुलाइज हो जाएगा। नेजल फोसा, ऑर्बिट फोसा, मैंडिबल और मैक्सिला, ये भी आपको विजुलाइज होंगे रेडियोग्राफी अपीयरेंस में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एक्सरे यूनिवर्स। थैंक यू।